इस वीडियो में हम कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो नर्सिंग से रिलेटेड एग्जाम्स जैसे MNS, PNST या GNTST के जो एग्जाम्स होते हैं उनमें उनके पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन जो हैं या तो लास्ट ईयर की किसी एग्जाम में नर्सिंग से रिलेटेड किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं या फिर किसी एग्ज़ाम में आने की इनकी पॉसिबिलिटी होती है, मतलब आने वाली एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पर आप क्वेश्चंस को देखिए, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, अपना आंसर मैच कराइए। ज़्यादा समय अगर आपके पास नहीं है तो आप एटलीस्ट राइट आंसर जो है, करेक्ट आंसर जो यहाँ पर दिए हुए हैं, उन करेक्ट आंसर को आप अपने दिमाग में थोड़ा सा बिठा लीजिए ताकि अगर सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाए तो आप आसानी से उसका आंसर लगा सकें। तो सबसे पहले हमारे पास में फिजिक्स का सेक्शन है, 30 क्वेश्चन आपको फिजिक्स से मिलने वाले हैं, 30 केमिस्ट्री से, और 30 आपको बायो में दो सेक्शन मिलने वाले हैं, जूलॉजी और बॉटनी, 30 30 वहाँ मिलेंगे, और 30 क्वेश्चन आपको इंग्लिश के मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले फिजिक्स का सेक्शन है, फिजिक्स में आपके सामने एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर देखिए और चाहें तो इसको ट्राई कीजिए, आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और चाहें तो आप इन आंसर्स को लर्न भी कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हम देखते हैं कि लास्ट ईयर के एग्जाम से आए हुए नेक्स्ट एग्जाम में हमको दिख जाते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी, सभी क्वेश्चंस के करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको दिख जाएंगे, आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड कीजिए उसके बाद इसका करेक्ट आंसर चेक कीजिए। क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में दिए हुए हैं तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं।
यहाँ से केमिस्ट्री का सेक्शन शुरू होता है। 30 क्वेश्चन सब केमिस्ट्री के भी, जैसे 30 क्वेश्चन फिजिक्स के हैं वैसे ही 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री के हैं।